हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और एग्जाम सत्र में एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एट क्लास का रैशनल नंबर चैप्टर चल रहा था, उसका पहला वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था रैशनल नंबर होता है क्या है, रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में बताया था। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल में इसमें दिया था 5, 6, 10, कोई भी डिजिट हो, कोई भी इंटीजर हो, सारे रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक कि 0 भी जो है वो रैशनल नंबर होता है। नीचे कुछ भी लिख दो, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ नीचे एक होता है रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। ये बताया था, और बताया था पी आपका जो पाई होता है वो फिर रैशनल नंबर होता है, बट 22/7 जो है ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये सब बताया था, और आपको ये भी बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन पर फॉलो होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। किसमें किसमें फॉलो होती है? एडिशन में फॉलो होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी, और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती थी, और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती थी, और बट डिवीजन में फॉलो नहीं होती थी, ठीक है। डिवीजन में फॉलो नहीं होती थी, ये मैंने बता दिया था पहला पार्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज दूसरी प्रॉपर्टी बताना है आज की वीडियो में, जिसका नाम है क्रम विनिमेयता। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं क्रम विनिमेयता, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं तो कम्यूटेटिविटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता। ठीक है, क्रम विनिमेयता इसमें होता क्या है? इसमें होता ये इंटीजर के केस में आप लोग ने पढ़ा होगा, आज रैशनल नंबर केस पढ़ रहे हैं ना, इंटीजर केस में आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर इसे 5+3 है, इसके ऑर्डर को 3+5 बदल दिया जाए तो रिजल्ट जो है दोनों साइड का सेम रहता है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए 3-5 और 5-3, इसका रिजल्ट सेम रहता है कि नहीं रहता, ये इंटीजर के केस में पढ़ा होगा। आज पढ़ेंगे रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। रैशनल नंबर के केस में पढ़ेंगे किसमें किसमें फॉलो होता है, किसमें किसमें नहीं फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो बना लेते हैं, जैसे पिछली बार बनाया था, यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं ऑपरेशन, और यहाँ पे डालेंगे रैशनल नंबर फॉलो होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ फॉलो होगा कि नहीं, इसी में रैशनल नंबर के केस में। तो पहले देखते हैं एडिशन के लिए, एडिशन के लिए देखते हैं पहले, ठीक है। एडिशन के लिए देखते हैं, दो रैशनल नंबर लेते हैं, कोई दो रैशनल नंबर ले लिया, जैसे 7/3 ले लिया, ठीक है, +2/5, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव है, ठीक है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव है 7/3 + 2/5, और इधर फिर क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा 2/5 + -7/3। अब देखते हैं LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, देखेंगे सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर सेम आता है तब तो फॉलो होगा एडिशन के केस में, वरना नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा, LCM 15, ठीक है, 3/5 = 15, 5/7 = 35, -35 + 5/3 = 15, यहाँ 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 35 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 29, ठीक है, -29/15 ये आया, ठीक है। ये हो गया LHS, RHS देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, RHS में क्या आएगा, चलिए लेते हैं क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका LCM, 5 3 = 15, 3 आया, 3 2 = 6, ये आया, प्लस माइनस कितना आएगा 35, ठीक है, कितना आएगा, ये भी 29/15, ये भी देखिए LHS और RHS सेम आ गया, मतलब कि एडिशन के केस में ये रैशनल नंबर की जो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉलो होगी, ठीक है, एडिशन के केस में फॉलो होगी, ठीक है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं उसमें फॉलो होगी कि नहीं होगी।
सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में ले लेते हैं कोई रैशनल नंबर, जैसे ले लेते हैं 5 by 4 ले लिए, माइनस यहाँ पे ले लिए 1 by 7, ठीक है 1 by 7, ठीक है इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, 1 by 7 माइनस 5 by 4, देखते हैं सेम आएगा कि नहीं, 28 आएगा और 35 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 31 by 28 ये आ जाएगा। आंसर देखते हैं कितना आएगा, यही 28 आया, ठीक है और 7 4 28 4 4 माइनस 4 7 28 35 ये क्या आ जाएगा माइनस 31 by 28 माइनस आ गया, यहाँ पे देखो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस में, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए एडिशन में फॉलो हो गया, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हुआ है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, ले लेते हैं 1 by 3, ठीक है 1 by 3 इंटू 4 by 5 ये ले लेते हैं, ऑर्डर रिवर्स करते हैं 4 by 5 इंटू 1 by 3 ये हो जाएगा कितना 4 by 15, ठीक है 4 by 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 by 15 यानी कि मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो होगा, ठीक है मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो होगा। डिवाइड ठीक है, डिविजन के केस में देख लेते हैं, डिविजन के केस में, डिवीजन के केस में देख लेते हैं, डिवीजन के केस में ले लेते हैं ले लिया जैसे कि 5 by 2 ले लिया, डिवाइड बाय 5 by 2 डिवाइड बाय आपका ले लिया 3 by 5 ये ले लिया, ठीक है तो इसका ऑर्डर रिवर्स करें क्या हो जाएगा 3 by 5 डिवाइड बाय 5 by 2, ठीक है ऑर्डर रिवर्स कर दिया। इसका कैसे होगा सॉल्व करें, 5 by 2 इंटू रिवर्स हो जाएगा 5 by 3 क्या हो जाएगा 25 by 6 ये हो जाएगा और आरएचएस में क्या आएगा 3 by 5 इंटू 2 by 5 6 by 25 ये आया, ठीक है तो इसमें भी फॉलो नहीं होगा, दोनों अलग अलग आ रहा है, ठीक है तो इसका मतलब डिवीजन के केस में भी, डिवीजन के केस में भी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो हो रही थी, सब्ट्रैक्शन फॉलो हो रही थी, मल्टीप्लीकेशन फॉलो हो रही थी, डिवीजन फॉलो नहीं हो रही थी, लेकिन अगर देखा जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दो केस में फॉलो नहीं होगी, केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फॉलो होगी, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी साहचर्यता, साहचर्य जिसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है साहचर्यता और इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है एसोसिएटिव ये भी हटाते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, अब आती है एसोसिएटिविटी, ठीक है एसोसिएटिविटी जिसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता, साहचर्यता, ठीक है इसमें क्या होता है, इसमें भी चार्ट बना लें, ठीक है एसोसिएटिविटी, ठीक है यहाँ डालते हैं ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे यहाँ पे डालते हैं रैशनल नंबर, ठीक है अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, इंटीजर के केस में इसने आप लोग भी पढ़ा होगा कि जैसे 5 plus 2 plus 3, ठीक है ये ब्रैकेट में है इक्वल टू 5 plus 2, इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस 3, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे सॉल्व करने का, ठीक है इंटीजर के केस में ऐसे पढ़ोगे एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन पे डिवाइड, ठीक है अब ये पढ़ोगे आप जो है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है लेते हैं दो रैशनल नंबर एडिशन के केस के लिए, एडिशन के केस के लिए लेते हैं दो रैशनल नंबर, ठीक है लेते हैं जैसे पहले एडिशन के लिए 1 by 3 plus 2 by 3 plus 4 by
फाइव ये ले लेते हैं, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/5 इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 15 आएगा, 3/5 = 15, 5/2 = 10 प्लस 5/3 = 15, 3/4 = 12 ठीक है, प्लस 1/3 ऐसे रहेगा, 1/3 प्लस ये हो जाएगा 12 22/15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 ही आएगा, ठीक है, 3/5 = 15, 5/5 प्लस 5 प्लस 22 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27/15 ठीक है, 27/15 ठीक है, ये आ गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3 से जो है डिवाइड कर दे 9/5 फाइनल ये आया, फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 3 एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 + 2 + 4/5 ठीक है, ये हो जाएगा 3/3 + 4/5 ये कट जाएगा 1 + 4/5 5 × 5 = 5 5 × 4 = 9/5 आ गया। देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब एडिशन की केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, अगर ले लेते हैं जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर ले 2/3 - 4/3 - 5/4 ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा लिया ब्रैकेट इक्वल टू 2/3 - 4/3 - 5/4 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, यही होती है, हम देखते हैं और सॉल्व होता ही नहीं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 × 4 = 16 माइनस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 × 3 = 15 ये हो गया 2/3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/12 ये बचा, अब एलसीएम 3 × 12 = 12 ठीक है, और 3 × 4 = 12 × 4 = 8 माइनस 12 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 7/12 ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 × 3 = 3 और ये सिर्फ 2 − 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 − 4 हो जाएगा −5/4 ऐसे उठा दिए तो कितना हो जाएगा −2/3 ये बचेगा −5/4 ये बचेगा, अब 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 × 4 = −8 हो जाएगा −4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15 ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23/12 वो भी माइनस का, ठीक है 23/12 अब देखो नहीं आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन की केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन की केस में फॉलो नहीं होगी, ठीक है, अब देखते हैं कौन सा केस आता है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन की केस में देखते हैं फॉलो होगा कि नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को फॉलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगा कि नहीं होगा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ले लेते हैं कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3 × देखिए छोटी वैल्यू ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बाकी बड़ी वैल्यू जितनी भी होगी प्रोसेस सही होगा, ठीक है, 2/3 और 1/4 ले लिया इंटू, चलिए एक बड़ी ले लेते हैं 5/9 थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है, एक ये ब्रैकेट हुआ इक्वल टू यही उदाहरण 2/3 × 1/4 × 5/9 ये ब्रैकेट हुआ, इसमें देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 2/3 × 5 = 5 9 × 4 = 36 ठीक है, ये आया, अब ये ऊपर इसको भी सॉल्व करेंगे 5 × 2 = 10 नीचे आएगा 3 × 6 = 18 और ये आएगा, ठीक है 10/108 108 ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आरएचएस इतना ही आएगा कितना आएगा, देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करें 2 × 2 / 12 × 5/9 अब इसको सॉल्व करें 5 × 10 / 108 देखिए एनएचएस आरएचएस इक्वल आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी
फॉलो होगी, ठीक है, वैसे चल रहा है जैसे इसके पहले की प्रॉपर्टी चल रही थी, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइड के केस में, लास्ट है, देखते हैं डिवाइड के केस में फॉलो होगी कि नहीं होगी, ठीक है, देखते हैं डिवाइड के केस में लास्ट आपका बचा है फॉलो होगी कि नहीं होगी, डिवीजन, डिवीजन इसमें कोई ले लेते हैं, जैसे ले लिया 1/1/2 और डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 4/5, ठीक, ये ले लिया इक्वल टू, उधर लगा रहे 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, ब्रैकेट लगाते हैं ये, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय ऐसे रहेगा और 2/3 इंटू 5/4 ये हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया, ठीक है। अब ये करेंगे 1/2 × 12 / 10 ये हो जाएगा, ये काट देंगे 2 × 2 = 2 × 6 = 12, ठीक है, कितना आएगा 6/10, ये भी 2 से और कटेगा, 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 = 3/5 ये आया, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1/2 × 3/2 हो गया, ठीक है, कितना आएगा 3 × 3 = 4 यहाँ पे डिवाइड ये चलेगा 4/5, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड 4/5 ये चला। अब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 × 5/4 ये हो जाएगा 15/16 देखो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, इसमें उसमें सेम नहीं आ रहा है, लेचे सारे चेंज, इसका मतलब डिवीजन के केस में भी फॉलो नहीं होगी ये प्रॉपर्टी, डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से तीनों प्रॉपर्टी आपने देखी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर देखी, समृद्ध जिसको हिंदी में कहते हैं समृद्ध गुणधर रैशनल नंबर का, इसमें चारों ऑपरेशन आपने चेक किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा था, डिवीजन फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्रम विनिमेयता पढ़ी थी, हिंदी में जिसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें आपके एडिशन फॉलो हो रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, डिवीजन नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी। सेम ऐसे ही आपका तीसरा है सहचर्यता का नियम एसोसिएटिविटी, ठीक है, इसमें भी आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं हो रहा, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये दो पार्ट आपके थे, पहला पार्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी रैशनल नंबर में एक लेक्चर कम से कम तो और होगा, अभी क्वेश्चंस कराएंगे एक या दो लेक्चर और होंगे, क्वेश्चंस कराएंगे और समझाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।